हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग सितंबर 2021 का जो बोर्ड पेपर है उसका सलूशन देख रहे हैं। तो हमने अब तक सबसे पहले तो हम लोग ज्योमेट्री का बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1A एंड बी कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी हमने कर लिया है। ठीक है, आज के वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी मिलने वाला है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3A एंड क्वेश्चन नंबर 3B मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसको मैं बोलती हूँ सेमी हॉट्स, यानी कि ये क्या है, हमारे हॉट्स टाइप के ही है लेकिन सेमी हॉट्स है, दैट इज हाफ हॉट्स है। तो आज भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो भी आज क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग वो क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो क्या होता है, एक्टिविटी होता है। आपको 2 एक्टिविटीज दिए रहते हैं लेकिन आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करनी रहती है। ठीक है, ये पूरा जो है ना ये बोर्ड पेपर में सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर आपको सितंबर 2021 का बोर्ड पेपर चाहिए, ये वाला इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पेपर की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वरना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, डायरेक्टली आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है ना वो 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है सिर्फ, और वो एक क्वेश्चन यानी कि जो एक एक्टिविटी है वो 3 मार्क्स की होती है। चलो हम लोग तो दोनों एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। इन ट्राइंगल एबीसी, सॉरी, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, यानी कि क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमको दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर दिया है हमको 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और BC हमको दिया है, मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है ना उसके एक साइड का लेंथ, दैट इज BC का जो लेंथ है वो दिया है 6.3 सेंटीमीटर। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR, यानी कि QR को हमको फाइंड करना है, उसके लिए ये एक्टिविटी कंप्लीट करो। तो देखो एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले गीवन क्या है कि दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये गीवन है। तो अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे एरियाज का रेशियो लिया है, यहाँ पे एरियाज का रेशियो लिया है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना, जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है ना, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, और किसका रेशियो लेंगे, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करेंगे और फिर उनका रेशियो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने वाले हैं, तो ये जो ट्राइंगल एबीसी है उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी साइड हम लोग बीसी लेंगे और जो ट्राइंगल पीक्यूआर है उसका कौन सा साइड, क्यूआर साइड लिया है। देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल पीक्यूआर है ना उसका कौन सा वाला साइड लिया है, क्यूआर लिया है। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो क्यूआर है ना उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड है, देखो बीसी है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बीसी का स्क्वायर। और यहाँ पे रीजन लिखना है, रीजन क्या है पता है आपको, रीजन है वो थ्योरम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीजन क्या होगा पता है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, ये थ्योरम आपको पता होगा शायद, ऑब्वियसली पता होना चाहिए क्योंकि अभी तो एग्जाम नजदीक है, तो ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या बोलता है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है 81, तो यहाँ पे 81 लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर है 121, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू बीसी देखो है 6.3, तो यहाँ पे 6.3 का स्क्वायर किया अपॉन QR स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो अपॉन QR स्क्वायर है हमारा ऑलरेडी। बस अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब इस अभी यहाँ पे क्या किया है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया है। जैसे कि देखो स्क्वायर रूट लेगी अगर बोथ साइड तो कैसा दिखेगा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लिया,
और अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसको देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 6.3 अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 6.3 अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखो ये जो दो बार स्क्वायर थे ना उसको हमने एज अ होल स्क्वायर लिख दिया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या होगा पता है, यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर रूट है वो 81 को भी मिलेगा, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 एंड 121 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 11। तो यहाँ पे 11 आया, इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.3 अपॉन क्यू आर। ठीक है, इतना समझा। और बस अभी क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब क्या होगा पता है, इसका जो स्टेप है, देखो ये वाला जो स्टेप है वो कैसे आया मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्यू आर डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे 6.3 है तो 6.3 लिखती हूँ, और ये जो 9 अपॉन 11 है वो इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 9। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो जो क्यू आर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6.3 इंटू 11 और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 9, तो यहाँ पे आएगा 9। बस अभी इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला है ना, तो 6.3 इंटू 11 अपॉन 9 है, तो यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है, सपोज करो कि इसको हमको हटाना है, तो डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो सबसे पहले तो देखो डेसिमल पॉइंट जो है इसके बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। अब ये मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डेसिमल पॉइंट को हटाना है और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस आउट करने के लिए हमको डिनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना हमको। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जब 6.3 इंटू 10 करोगे ना तो आपको मिलेगा 63। ओके, तो इस 10 ने क्या किया, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको खा लिया, यानी कि डेसिमल पॉइंट उड़ गया, एंड देन आ जाएगा इंटू 11 और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10। तो अब क्या होगा, देखो 9 वन जा 9, 9 सेवन जा क्या हो जाएगा, 9 सेवन जा हो जाएगा 63, तो दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 11 करो, 7 इंटू 11 होगा 77 और अपॉन क्या है 10 है, तो 77 अपॉन 10 करोगे तो आपको मिलेगा 7.7, यानी कि जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है वो है 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करने का, आई थिंक आपको ये समझा होगा ये प्रोसेस, अगर नहीं समझाए फिर से एक बार पीछे जाओ और इसको अच्छे से देखना कि मैंने ये पॉइंट को कैसे हटाया है। ठीक है, चलो हम करते हैं सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी देखो सर्कल का है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को रीड करते करते, यहाँ पे देखो मैंने दो बार फिगर मैंने बनाया है, मतलब कि दो बार फिगर मैंने कॉपी और पेस्ट किया है, कॉपी और पेस्ट किया है। क्यों किया है मैं बताऊंगी, क्योंकि जब हम लोग नीचे नीचे आएंगे ना तो बाजू में भी फिगर चाहिए, ताकि वो मतलब कि इजी होता है और कंफर्टेबल होता है। तो चलो पहले एक बार अच्छे से हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, इन द अबाव फिगर सर्कल्स विथ सेंटर्स एक्स एंड वाई टच ईच अदर एट पॉइंट जेड। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक है हमारा ये सर्कल, एक है हमारा ये सर्कल, इनके सेंटर्स है एक्स एंड वाई और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट जेड। ठीक है, दे बोथ आर टचिंग एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट जेड। फिर क्या बोला है, अ सीकेंट पासिंग थ्रू जेड इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पॉइंट जेड है ना, यहाँ से एक सीकेंट पास हो रही है। देखो ये जो है ना वो क्या है, यहाँ पे देखो ये जो है वो क्या है, सीकेंट है दोनों सर्कल की, और ये जो सीकेंट है वो इस सर्कल को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस सर्कल को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर क्या बोला है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव रेडियस एक्स ए इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी। यानी कि हमको क्या करना है, ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, लेकिन क्यों कंप्लीट करनी है, ताकि हम ये बता सके कि ये जो रेडियस एक्स ए है ना, ये देखो ये एक रेडियस है। ठीक है, ये जो रेडियस एक्स ए जो है दैट इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी। ठीक है, ये देखो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर को, ये दोनों रेडियस को हमको पैरेलल दिखाना है, इसके लिए ये एक्टिविटी को कंप्लीट करो। तो चलो कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे बाजू में भी फिगर है, मैंने बाजू में इसलिए रखा था ताकि हम लोग कंफर्टेबली देख सके। तो एक्टिविटी है तो टेंशन नहीं लेने का है, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ सेगमेंट्स एक्स जेड एंड सेगमेंट जेड वाई। तो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये जो डॉटेड लाइन में होता है ना, ये कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, तो ये एक्टिविटी है ना, तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी करके रखा है। यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ सेगमेंट्स एक्स जेड, तो यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट एक्स जेड है
वो ऑलरेडी बना हुआ है, एंड सेगमेंट जेड वाई, जेड वाई मतलब ये वाला सेगमेंट, ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स व्हाट वी कैन से कि पॉइंट्स जेड सॉरी पॉइंट्स एक्स जेड वाई आर व्हाट, तो दे विल बी कोलिनियर। आपको थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल तो पता ही होगा, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है कि जब भी सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वो दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ध्यान से सुनो, वो दोनों सर्कल का सॉरी वो दोनों सर्कल का जो सेंटर है, वो दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या करेंगे, सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो वो दोनों सर्कल का सेंटर और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम सर्कल सॉरी सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो इसलिए यहाँ पे कोलिनियर आएगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे क्या बोला है, तो अब यहाँ पे देयरफोर नेक्स्ट स्टेप क्या है, देयरफोर यहाँ पे क्या बोला है, एंगल एक्स जेड ए इज कॉन्ग्रेंट टू डैश, और यहाँ पे रीजन लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको इक्वेशन नंबर ए दे दिया है, ठीक है, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया है। तो एंगल एक्स जेड ए मतलब कौन सा एंगल, एक्स जेड ए मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रेंट होगा, ऑब्वियसली इसको कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये वाला, तो हम इस एंगल को लिखेंगे दैट इज एंगल वाई जेड बी, तो यानी कि यहाँ पे आएगा एंगल वाई जेड बी, ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, चलो ये समझ में आया, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ सेगमेंट एक्स ए इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट एक्स जेड, यानी कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको रीजन लिखना है, यानी कि ये दोनों सेगमेंट क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसका रीजन बताओ, चलो तो चलो फिगर में फिर से देखते हैं कि कौन से सेगमेंट की बात हो रही है, तो सेगमेंट एक्स ए मतलब ये वाली सेगमेंट एक्स ए, और कौन सा सेगमेंट एक्स जेड, अच्छा ये दोनों सेगमेंट क्यों कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज दे आर द रेड आई ऑफ द सेम सर्कल, दे आर द रेड आई ऑफ द सेम सर्कल, देख लो ये दोनों जो है ना, ये देखो मैंने अभी ब्लू कलर में जो सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, ये क्या है हमारे इस सर्कल के रेडियस है, तो अगर ये हमारे सेम सर्कल के रेडियस है मतलब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो रेड आई ऑफ द सेम सर्कल ये हमारा रीजन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट कि एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रेंट टू विच एंगल, और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर टू दे के रख दिया है, और रीजन दिया है आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम, ओ यानी कि यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल एंगल एक्स ए जेड, जरा देखते हैं हम लोग, एंगल एक्स ए जेड मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ये जो एंगल है किसको कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये जो एंगल है ना वो इसको कॉन्ग्रेंट होगा, दैट इज एंगल एक्स जेड ए को, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल एक्स जेड ए को। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रीजन बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि यहाँ पे आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम यूज हुआ, आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम यूज होगा, देखो इसके ऊपर ही आपको एक स्टेप दिख रही होगी, इसके ऊपर एक स्टेप दिख रही है, उसमें हमने क्या देखा था कि ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज दे आर द रेड आई ऑफ द सेम सर्कल, तो आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है उसके कोई भी दो सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो वो दोनों सेगमेंट के अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेगमेंट है इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, अपोजिट मतलब सामने, इसके सामने देखो कौन सा एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, वैसे ही ये जो हमारा सेगमेंट है इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो इस एंगल को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी ये वाला प्रोसेस जो है वो यूज होने वाला है, दैट इज सिमिलरली अब ये वाला जो ट्राइंगल है ना, या ये वाले सर्कल में सेम प्रोसेस अभी हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोला है, सिमिलरली सेगमेंट वाई बी, यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट वाई बी है और ये जो सेगमेंट वाई जेड है, सेगमेंट वाई बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट वाई जेड, वाई बिकॉज ये रेड आई ऑफ द सेम सर्कल है, बिकॉज ये सेम सर्कल के रेडियस है, इसका मतलब कि ये जो ट्राइंगल है, देखो ये जो ट्राइंगल है वो हमारा हो गया आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम, सॉरी ये जो हमारा ट्राइंगल है वो हो गया आइसोसेलिस ट्राइंगल, और एज यू ऑल नो कि आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसके कोई भी दो साइड क्या है अगर इक्वल है,
तो वो दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंगल बी जेड वाई, एंगल बी जेड वाई मतलब ये वाला एंगल दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड मतलब ये वाला, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफोर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तीनों इक्वेशन का यूज हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल एक्स ए जेड, यानी कि यहाँ पे देखो एंगल एक्स ए जेड मतलब ये जो एंगल है वो किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ना, मैं बोलती हूँ देखो आपको, मैं आपको है ना अच्छे से समझाती हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला हमको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इक्वेशन नंबर 1 में ये मिला था, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इक्वेशन नंबर 2 ने हमको क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2 ने हमको दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 ने हमको क्या दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्स ए जेड, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इज एंगल वाई बी जेड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एंगल वाई बी जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। और इसका रीजन होगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको शायद ये नहीं समझ में आया होगा, रुको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये है हमारा सेगमेंट एक्स ए और यहाँ पे है हमारा सेगमेंट बी वाई, ओके। और यहाँ पे देखो सपोज करो कि यहाँ पे ये जो है, ये जो क्या है वो हमारा ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो हमने क्या प्रूव किया है पता है आपको, हमने ये प्रूव किया है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये दोनों जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों लाइन के ऊपर या ये दोनों सेगमेंट के ऊपर। और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कब बने, जब ये जो था, ये वाला जो सेगमेंट था, मतलब ये वाला जो सेगमेंट था वो हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है, मतलब कि ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। समझ में आया, तो बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो आपको क्या करना था, एक मिनट, हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था कि ये वाला जो रेडियस है और ये वाला जो रेडियस है वो क्या है, पैरेलल है, ये दिखाना है। मतलब हम क्या दिखाएंगे पता है, हमारा क्या होने वाला है पता है, ये जो हमारा सीकेंट है ना वो एज अ ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ओके। और हम क्या दिखाना है, हमको बस ये दिखाना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बस ये एंगल और ये एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो हम बोल सकते हैं कि बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये दोनों जो हमारे रेडियस है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। और ये दोनों हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट दिखाई दिया था एट द एंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3A। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3B जो है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, लेकिन आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस करने रहेंगे, ठीक है। एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा, इसका मतलब 2 क्वेश्चन जो है वो टोटल 6 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वन देखो यहाँ पे एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि थ्योरम एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते, तो आप देख लो, ये सितंबर 2021 का बोर्ड पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम आया है, तो मतलब थ्योरम आप कर लो तो अच्छा ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है वो क्या है, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। सबसे पहली बात तो एक, जब आप थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो थ्योरम कौन सा है, इस थ्योरम का क्या नाम है, ये थ्योरम कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर से आया है। तो जैसे कि मैंने इसको पढ़ा और मुझे पता चल गया है कि ये जो थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, उस चैप्टर का थ्योरम है। और ये जो थ्योरम है इसका नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ओके।
इस थ्योरम का जो नाम है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मैंने जो हमारा टेक्स्ट बुक था ना वहां से मैंने जो थ्योरम है उसको कॉपी और पेस्ट कर दिया है, क्योंकि अब देखो मैंने ऑलरेडी थ्योरम वाली सीरीज लॉन्च की है। मैंने उस सीरीज में आपको ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के थ्योरम फिर से बताए हैं। ओके, तो बहुत बच्चों ने तो उस सीरीज का भरपूर फायदा उठाया है, जिसने नहीं उठाया है वो उठा लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मैं फिर से आपको मैं रिपीट करना चाहूंगी कि मैंने एक सीरीज बनाई थी थ्योरम की, यानी कि ज्योमेट्री के सारे थ्योरम्स अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वो सारे थ्योरम्स बनाए थे, और उस सीरीज में मैंने सारे थ्योरम्स फिर से एक्सप्लेन किए हैं, फिर से। और उस सीरीज में आपको सिर्फ थ्योरम्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं, बकबक कुछ नहीं, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ थ्योरम। जैसे कि सिमिलैरिटी लेसन के सारे थ्योरम्स एक वीडियो में, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा चैप्टर नंबर 2, उसके सारे थ्योरम्स एक वीडियो में। सर्कल लेसन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसके 4 वीडियो बने हैं थ्योरम के। तो अगर आपको वो सीरीज चाहिए, उस सीरीज कहाँ है आपका अगर क्वेश्चन है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम, वहां पे मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, मैं आपको ओन लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखो मैं रेड कलर में बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड अगर मैं बोलूँ कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या है, तो यहाँ पे देखो ये जो पी आर है, ये जो पी आर है वो क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस के, ये जो हाइपोटेनस है ना, इसके अपोजिट में एक वर्टेक्स है। देखो ये जो क्यू है वो क्या है, वर्टेक्स है। ये क्या है, वर्टेक्स है, और ये कोई नॉर्मल वर्टेक्स नहीं है, ये हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स है ना। ये हाइपोटेनस है, इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्यू। तो ये कोई नॉर्मल वर्टेक्स नहीं है, ये हमारा बहुत ही खास वर्टेक्स है, क्योंकि ये हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स होता है ना, वहां से जो परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, दैट इज QS, ये जो QS है वो क्या है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है, जो हमने कहाँ से बनाया है, इस वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर बनाया है। तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना, वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। इसका मतलब है ये जो सेगमेंट QS है वो क्या होगा, हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे देखो हमको ये प्रूव करना है, दैट इज सेगमेंट QS जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड सेगमेंट SR। तो यहाँ पे देखो जो हमारा हाइपोटेनस है ये किसमें डिवाइड हुआ है, एक तो ये वाले सेगमेंट में डिवाइड हुआ है और एक ये वाले सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। इसलिए हमको प्रूव करना है कि ये जो QS है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, PS एंड SR का, ठीक है। यानी कि वी हैव टू प्रूव, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी हैव टू प्रूव कि सेगमेंट QS, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, दैट इज GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो ये दोनों सेगमेंट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है मतलब हमको क्या प्रूव करना है पता है, ये हमको प्रूव करना है कि जो QS का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू PS इनटू SR, ये हमको प्रूव करना है, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि QS इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PS एंड SR, ठीक है। तो ये प्रूव करना है आपको, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब भी पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अगर पता नहीं तो क्या फायदा, तो फिर कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 6 जो है ना वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, 9 and 4 का। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, कि जो 6 का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 9 into 4, और आप देख सकते हो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 9 4 36 होता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं 6 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 and 4, तो दैट मीन कि 6 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 9 into 4। तो वैसे ही हमको प्रूव करना है कि ये जो QS है, यानी कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट है, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, PS का एंड SR का। इसका मतलब हमको प्रूव करना है कि जो QS स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू PS into SR। तो
तो हमारा एम क्या होगा कि हमको ये प्रूव करना है, दिस इज अवर एम। और यहाँ पे देखो यही प्रूव किया है, ये कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो टेंशन मत लो, बहुत इजी है, आप टेंशन मत लो उसका। तो आई थिंक आपको ज्योमेट्रिक मीन क्लियर है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब पता होना चाहिए। अगर आप इस थ्योरम को और ज्यादा डेप्थ में और बहुत डिटेल में देखना चाहते हो तो थ्योरम वाली सीरीज जो मैंने बनाई है ना वो रेफर कर लो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है ना, इसमें क्या होता है, एक थ्योरम यूज होता है, और वो जो थ्योरम है वो है सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स। मतलब कि देखो मैं समझाती हूँ इसको, अच्छे से समझाती हूँ, टेंशन मत लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक मिनट हाँ, थोड़ा सा जूम करती हूँ, यहाँ पे देखो ये जो हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है ना, टेक्स्ट बुक निकालो और सर्च करो कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे है। हाँ, उसके ऊपर एक और एक थ्योरम है, और उसके ऊपर जो थ्योरम है वही है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में ये वाला जो थ्योरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपको ये वाला थ्योरम जो है वो पता होना चाहिए। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया है हाइपोटेनस के ऊपर। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है इसके वजह से जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं, यहाँ पे देखो कौन से दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं, एक तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है, ये थ्योरम हमको बोलता है कि ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है इसके वजह से जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं ना वो क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। मतलब कि ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है और ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है ना, वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये कहाँ से मिलता है, इस थ्योरम से मिलता है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल QSR, मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ, यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल PSQ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है, ऊपर वाला दैट इज रेड कलर का ट्राइंगल और नीचे वाला दैट इज ग्रीन कलर का ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आपको बस क्या करना है पता है, सच बोल रही हूं मैं आपको, बस एक चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पे वर्टाइसिस के जो ऑर्डर्स है ना वो देख लो। दैट इज यहाँ पे देखो वर्टेक्स के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल QSR इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, PSQ। तो ये थोड़ा सा आप लोग वर्टाइसिस के ऑर्डर बरोबर देख लेना, ठीक है। तो जब आपको अभी आपको पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं QS/PS = SR/SQ, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल। अगर आपको रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे क्या किया है, फिर यहाँ पे QS/PS ऐसे ही है that is equal to SR, और यहाँ पे SQ है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, दैट इज QS लिख दिया। देखो SQ बोलो या QS बोलो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे इसको QS कर दिया, और QS क्यों किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये दो स्टेप समझा, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया पता है आपको, बस ये जो SQ है ना उसको QS लिखा है। तो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, दैट इज हमारे पास रेशियो है QS/PS = SR/QS। तो अब देखो ये जो डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज QS into QS क्या हो जाएगा, QS²। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे है SR, और ये जो डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज multiply PS, ठीक है। तो ये मिल गया, और जो हमको चाहिए था वो मिल गया, QS² = SR into PS का मतलब क्या होता है कि ये जो QS है दैट इज ये जो हमारी सेगमेंट है वो क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन होगी ऑफ द सेगमेंट SR एंड सेगमेंट PS, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि सेगमेंट QS इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड SR। तो ये है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अगर आपको नहीं समझा है डोंट वरी, आप लोग क्या करो, मेरी जो थ्योरम वाली सीरीज है ना वो देख लेना, गारंटी के साथ बोल रही हूँ समझ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे तो बहुत फटाफट कराया है क्योंकि इतना समय नहीं है, ठीक है, चलो फिर भी मैंने डिटेल में ही कराया है।
सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा सा आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने वाले हो, यहाँ पे जरा सा ध्यान से दो। देखो क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, यानी कि यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो यहाँ पे पतंग जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये जो पतंग जैसा जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो साइक्लिक है। यहाँ पे देखो इस क्वाड्रिलेटरल के जो सारे वर्टाइसेस है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हमको क्या दिया है यहाँ पे देखो, और हमको क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, जैसे कि यहाँ पे मार्किंग भी की है। देखो ये जो ए बी है और ये जो ए डी है वो क्या है, इक्वल है, और एंगल बी सी डी जो है वो है 70 डिग्री। एंगल बी सी डी मतलब कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है। देखो एंगल बी सी डी ये 70 डिग्री है। देन फाइंड नंबर वन, हमको क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ द आर्क बी सी डी। मेजर ऑफ द आर्क बी सी डी मतलब कौन सा, चलो देखते हैं। मेजर ऑफ द आर्क बी सी डी मतलब ये वाला, मेजर ऑफ द आर्क की बात हो रही है, तो आर्क आर्क को आर्क के नजर से देखना, आर्क को एंगल के नजर से मत देखना। तो ये वाला आर्क जो है, आर्क बी सी डी, ये जो ग्रीन कलर में जो मैंने आर्क बनाया है ये हमको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। हाँ वैसे तो मैं बोलती हूँ कि सब सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, तो टेंशन मत लो, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ टेंशन मत लो। चलो ए वन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आर्क फाइंड करेंगे। देखो ये वाला आर्क फाइंड करते हैं हम लोग, ये वाला आर्क, हाँ कौन सा आर्क, आर्क बी ए डी फाइंड करेंगे। और आर्क बी ए डी हमको मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे देखो ये जो एंगल बी सी डी जो है, यहाँ पे देखो एंगल बी सी डी जो है ना, आप नोटिस करो ये जो एंगल बी सी डी है वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके। एंगल बी सी डी हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, और इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो कौन सा है, ये वाला आर्क जो रेड कलर में आर्क बनाया है ना, ये क्या होगा, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा। आपको पता ही है कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, एंगल के अंदर की साइड में जो आर्क होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे बना देती हूँ, देखो ये हमारा एंगल है, देखो थोड़ा सा उल्टा है लेकिन ये हमारा एंगल है और ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, और एंगल के अंदर की साइड में देखो ये रेड कलर का आर्क है, तो ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क हो गया। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, और इंटरसेप्टेड आर्क है हमारा आर्क बी ए डी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्क बी ए डी, ओके। तो हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है हमारे पास 70 डिग्री, तो ये जो आर्क है ना, ये जो रेड कलर का जो आर्क हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 140 डिग्री, मतलब इसका डबल, जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है उसका डबल हमारा इंटरसेप्टेड आर्क का मेजर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। एंगल बी सी डी है हमारे पास 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क बी ए डी। तो यहाँ पे देखो ये 2 डिवाइड में है, वहां पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 70 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 140, दैट इज 140 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये जो रेड कलर का जो आर्क है वो हमको मिल गया है 140 डिग्री, और कैसे मिला, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि हमको ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है इसका मेजर मिल गया है, दैट इज वॉट, येस वेरी गुड, दैट इज 140 डिग्री। लेकिन हमको ये वाले आर्क का मेजर तो नहीं चाहिए था, हमको किसका मेजर चाहिए था, इस वाले आर्क का मेजर चाहिए था, दैट इज आर्क बी सी डी, ये ग्रीन कलर वाले आर्क का मेजर चाहिए। तो वो तो बहुत सिंपल है, वो कैसे मिलेगा, जब हम लोग ये दोनों आर्क के मेजर को एड करेंगे तो दैट विल एड अप टू 360 डिग्री, है ना। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या लिखोगे पता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी, मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी प्लस क्या करोगे आप, अगर मेजर ऑफ द आर्क बी सी डी करोगे, मेजर ऑफ द आर्क बी सी डी करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। वाई, क्योंकि ये दोनों आर्क जो है वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो दोनों आर्क का जो मेजर होगा उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दैट विल एड अप टू 360 डिग्री, और रीजन लिख देना, अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ अ मेजर 360 डिग्री। वैसे ही तो यहाँ पे देखोगे तो मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी हमारे पास है, दैट इज 140 डिग्री, वो यहाँ से मिला था हमको, तो इसके नीचे आप लोग लिखोगे 140 डिग्री, और प्लस ये तो हमको फाइंड करना ही था, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क,
बीसीडी हमको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सच बोलूं तो आपको क्या करना था, ये पूरा कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये रेड कलर का जो आर्क है इसका मेजर हम लोग माइनस कर देंगे, दैट इज 140 माइनस कर देंगे, तो 0 और 2, 3 माइनस 1 2, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का जो आर्क है इसका मेजर मिल जाएगा आपको 220 डिग्री। ठीक है, तो आप ये रिमेनिंग पार्ट कर लोगे ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये 140 जो है इसको वहां पे शिफ्ट करोगे तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज 360 माइनस 140 एंड दैट विल बी इक्वल टू 220। तो ए मिल गया, चलो बी देखते हैं, बी क्या दिया है, बी देखते हैं, मैं तब तक ये पूरा रफ कर देती हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोग लिख दो, आप लोग लिख देना। चलो अब हम लोग देखते हैं बी वन, तो बी वन क्या है, बी वन हमको क्या फाइंड करना है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसका आंसर मेंशन कर देती हूँ, 220 डिग्री। बी वन क्या है, मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी फाइंड करो, मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, चलो अच्छी बात है। मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी क्या मिला, मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी हमको मिला है 140 डिग्री, है ना, तो यानी कि ये तो हमको पहले ही मिल गया था। तो हम लोग यहाँ पे इसको आप देख लो, इसको आप लोग क्या करना, यहाँ पे ये रफ कैसे हो गया, मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी यही था ना हमारा, तो मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी देखो 140 डिग्री, ये तो पहले ही मिल गया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो आप ऐसे बी वाला पार्ट कर लेना, बी वाला पार्ट क्या होगा, दूसरा कलर ले लेती हूँ, बी वाला पार्ट होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव मेजर ऑफ द आर्क बी ए डी इज इक्वल टू 140 डिग्री, हो गया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, आर्क बी सी डी और आर्क बी ए डी दोनों मिल गया, ये हो गया 140 डिग्री। चलो थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन क्या दिया है, एंगल, अभी यहाँ पे देखो एंगल है, तो एंगल को एंगल की नजरिए से देखना, एंगल ए बी डी फाइंड करना, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब कौन सा, रुको बताती हूँ आपको, यहाँ पे मैं ये रफ कर देती हूँ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, दैट इज एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ओ ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, बहुत ही इसका तो कठिन प्रोसेस है, इसका कठिन प्रोसेस क्यों है मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो देखो ये एंगल हमको दिया था 70 डिग्री, है ना, आपको याद है ना, यहाँ पे देखो एंगल बी सी डी हमको 70 डिग्री दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो सेगमेंट्स है वो कॉन्ग्रेंट दिए थे, इसका कहीं ना कहीं तो यूज आएगा ना, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज आएगा ना, तो ये दोनों चीज का काम ये सी वाले में आने वाला है, तो सी वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, तो सी वाले को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो वी नो दैट कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल सी है, एंगल सी मतलब हम बोल सकते हैं ये जो एंगल बी सी डी जो है और ये जो एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी जो है ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये दोनों का जो एडिशन है, ये दोनों एंगल का जो एडिशन है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, वाय बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एंगल बी सी डी है 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 लिख देंगे और यहाँ पे एंगल बी ए डी हमको फाइंड करना है। मैं क्या कर रही हूँ पता है, मेरी कोशिश क्या है पता है, ये वाले एंगल को फाइंड करने की, कि ये वाला एंगल क्या है, ओके ये वाला एंगल मेरे को ढूंढना है, और ये वाला एंगल कैसे मिल सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम यूज करके, क्योंकि वी नो दैट कि अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते, तो उसका यूज करके मैं ये वाला एंगल निकाल दूंगी। तो ये वाला एंगल निकाल दूंगी तो इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना वो कोई नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस ट्राइंगल तो आप समझते हो ना, कि जिस भी ट्राइंगल के दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो वो हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल हो जाता है, ओके तो इससे क्या होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो। तो सबसे पहली मेरी कोशिश तो यही है कि मैं ये वाला एक बार एंगल निकाल दूं, और ये वाला एंगल तो निकालना सिंपल है यहाँ पे, तो एंगल बी ए डी देखो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी आप ये प्लस 70 है वहां पे शिफ्ट करो तो माइनस 70, दैट इज 180 माइनस 70 करोगे तो आपको मिलेगा 110। तो यहाँ पे हमको ये वाला एंगल मिल गया, चलो अच्छी बात है, ये 110 डिग्री मिल गया हमको, मेन ये फाइंड करना है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल सेम होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा जो ट्राइंगल है ना वो कोई नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि इस ट्राइंगल के देखो दो साइड इक्वल है, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो
तो अगर इस दोनों इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया इसका मतलब यहाँ पे हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोलूंगी, ए बी जो है दैट इज इक्वल टू ए डी, ये गीवन है, ये गीवन है, मतलब इस ट्राइंगल के दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम वी कैन से कि ये दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी देखो ये जो साइड ए बी है इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ए डी बी बोल सकती हूँ मैं, ए डी बी दैट विल बी इक्वल टू, ये जो ए डी साइड है यहाँ पे देखो ये जो ए डी साइड है इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी डी, और लेट ले लेते हैं हम लोग कि ये दोनों जो एंगल है वो हम लोग एक्स डिग्री ले लेते हैं, दैट इज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी एंड दैट इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ये हमने एक्स डिग्री ले लिया, मतलब ये दोनों को हम लोग ने एक्स डिग्री ले लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हम लोग ने इसको एक्स डिग्री ले लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी ऑल नो दैट कि एक जो ट्राइंगल है उसके सारे एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, सारे एंगल्स का जो एडिशन है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, बरोबर। तो वही प्रॉपर्टी अब यूज करके हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस कौन सा एंगल, प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी और प्लस एंगल बी ए डी, प्लस एंगल बी ए डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और ये दोनों अभी एक्स एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे देखो एंगल बी ए डी हमने निकाला था है ना, वो है 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बाजू में लेके सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और फिर यहाँ पे ये प्लस 110 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 110, ठीक है, माइनस 110। तो दैट इज 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, ओके 180 माइनस 110 करोगे तो आपको मिलेगा 70 डिग्री, दैट इज x इज इक्वल टू 70, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा, 70 का हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 35 डिग्री, क्या मिलेगा, 35 डिग्री मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू मिली 35 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए बी डी जो है, ये जो एंगल है ए बी डी ये है 35 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर होगा एंगल ए बी डी जो है ये हो जाएगा 35 डिग्री। ओके क्लियर है, समझ में आया? तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग यू मतलब देख लो वीडियो, लेकिन मैं आपको एक बार शॉर्ट में फटाक से बता देती हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो फॉरवर्ड कर दो वीडियो को फटाफट, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, क्या देखा हमने यहाँ पे, देखो ये वाला एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है हमको 70 डिग्री, और हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब एंगल ए बी डी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड किया, दैट इज ये मिल गया 110 डिग्री। कैसे मिला, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, बिकॉज वी नो दैट कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वही प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने ये वाला एंगल निकाल दिया। अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो कोई नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इस ट्राइंगल के दो साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएगी बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और मैंने इन दोनों को एक्स एक्स मान लिया, और यहाँ पे फिर हमने सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री वो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी, काम खत्म हो गया। ओके चलो डन, अब आ जाते हैं थर्ड वन। देखो क्या दिया है आपको, थर्ड वन देखो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो कंस्ट्रक्शन आला, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। अगर आपको तकलीफ होती है कंस्ट्रक्शन करने में, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का वन शॉट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन लिया है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का, प्लीज़ आप लोग वो वन शॉट वीडियो देख लो, बड़ा ही काम का है, अभी मैंने रिसेंटली ही बनाया है, मतलब मुझे शायद एक महीना भी नहीं हुआ होगा और मैंने उस वीडियो को अभी जस्ट ताज़ा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, आपको एक सर्कल बनाना है विद सेंटर पी, ठीक है। चलो सपोज करो कि आप लोग बनाते हो एक सर्कल विद सेंटर पी, और उसका रेडियस लेना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर लेना। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देती हूँ, ये हमारा सर्कल है,
और इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो सेंटर लेना है वो पी लेना है। तो ये सपोज करो हमारा सेंटर है और ये सेंटर पी है। ड्रॉ एन आर्क ए बी और 120 डिग्री मेजर ओ। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। सॉरी आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ एन आर्क ए बी, फिर से देख लो, फिर से पढ़ती हूँ मैं। ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 120 डिग्री मेजर, हमें अभी उनको आर्क बनाना है और उस आर्क का मेजर क्या होगा, 120 डिग्री होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे आपको ये जो सर्कल है ना, सॉरी सर्कल का जो सेंटर है ना, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मैंने ये एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं क्या मानूंगी, इस पॉइंट को मैं ए मानूंगी। इसको ए क्यों मानूंगी मैं, क्योंकि यहाँ से हमारा आर्क स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा आर्क बनने वाला है। देखो आर्क ए बी बनाना है तो आर्क कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं ए ले रही हूँ, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं ए लूंगी। फिर यहाँ पे क्या करना है पता है, इस लाइन के ऊपर आपको प्रोटेक्टर लेना है, और इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर लेके आपको जहाँ पे 120 डिग्री का मार्किंग आ रहा है वहां पे मार्क कर लो। तो सपोज करो यहाँ पे आ गया 120 डिग्री का मार्किंग, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ पे देखो हमने आर्क ए बी बना दिया। आर्क तो समझते हो ना, यहाँ पे देखो ये हमारा आर्क ए बी बन गया, ये जो है ना ये एक आर्क होगा, ये आर्क ए बी बन गया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे पता है, ये पी और बी पॉइंट को ज्वाइन कर लो, पी और बी पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हमने आर्क ए बी तो बना दिया। उसके बाद बोला है कि ड्रॉ टेंशन टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, यानी कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, यहां से आपको ये दोनों पॉइंट से टेंशन ड्रॉ करना है। तो आप विदाउट यूजिंग सेंटर या विद यूजिंग सेंटर, दोनों का मतलब कौन से भी वे से आप टेंशन बना सकते हो। तो मैं तो बोलूंगी बेटर क्या रहेगा, विद यूजिंग सेंटर, विद यूजिंग सेंटर क्या करो, विद यूजिंग सेंटर आप टेंशन बनाना। और उसके लिए क्या करोगे, ये जो हमारा रेडियस है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, और फिर ए से क्या करोगे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड टेंशन नंबर वन। ओके, फिर यहाँ पे ये जो रेडियस है इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करो, उसके बाद ये पॉइंट बी जो है वहां से क्या करो आप लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड नंबर टेंजेंट टू विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आपने कंस्ट्रक्शन करके नहीं दिया, अरे लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो हमारा वन शॉट वाला वीडियो है ना, येलो कलर का उसका थंबनेल है, वो जरूर देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्लियर है, ठीक है। चलो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, और ये जो है वो हमारा ट्रीको का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक ये टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत तो आएगी नहीं। प्रूव बोला है कि ये जो है, प्रूव बोला है कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव करो। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट ऑफ 1 cos A अपॉन 1 cos A, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको किसके इक्वल दिखाना है, cosec A माइनस cot A के इक्वल दिखाना है। तो आपको शायद पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि देखो स्क्वायर रूट है और ऊपर क्या है 1 cos A है और नीचे क्या है 1 cos A है, मतलब यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सेम है बस साइन का डिफरेंस है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है ना तब क्या करना रहता है, देखो मैं बता दूं, यहाँ पे स्क्वायर रूट बना दो, थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर रूट बनाना, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 cos A लिखो और फिर अपॉन क्या है हमारा 1 cos A। तो अभी क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 cos A से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 cos A से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारा है इसका जो बीच में साइन है, इसका बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो इसके बीच में साइन प्लस है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाले साइन को चेंज करना है। अगर प्लस है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है बस। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 cos A मिलेगा। तो मतलब कि इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो नीचे टर्म होता है ना, जो नीचे होता है ना, उसकी साइन को, उसके बीच वाली साइन को चेंज करके जो मिलता है उससे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये स्क्वायर रूट के अंदर सब हो रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट थोड़ा सा बड़ा निकालना, तो समझ में आया आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, तो यहाँ पे हमको रीजन लिखना है। रीजन में आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, यहाँ पे ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 cos A, ठीक है।
वन माइनस कॉस ए। तो इससे क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है, इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या है, वन माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों, जैसे कि वी नो दैट ए इंटू ए क्या होता है, ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर। जैसे कि मैं अगर मैं पूछूं कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स प्लस टू स्क्वायर, क्योंकि दो टाइम है ना, ये दो बार है। तो ऐसे ही यहाँ पे देख लो, वन माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए क्या होगा, वन माइनस कॉस ए स्क्वायर। वैसे ही अपॉन, अगर आप नीचे नोटिस करोगे ना, तो नीचे हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। दैट इज कौन सा वाला पता है, उसको बताती हूँ, ये मैं रफ कर देती हूँ। नीचे हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज वी नो दैट हमको क्या पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा नीचे होगा, क्योंकि देखो नीचे कुछ इसी टाइप में है, बरोबर। यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टाइप में है, है ना। यहाँ पे देखो क्या है, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, ओके, इंटू वन प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे इसी टाइप में है कुछ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब, ए मतलब कौन है हमारा, यहाँ पे वन है, तो वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी कौन है, कॉस ए, ओके। तो कॉस ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये वाला आएगा यहाँ पे नीचे क्या आएगा पता है, और वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वन ही लिखेंगे हम लोग। माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो नीचे हमने क्या यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज करके हमने ये निकाला है। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वन माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर है, अपॉन यहाँ पे देखो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, नीचे वन माइनस कॉस ए स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हुआ है। यस, आप समझ गए हो, वेरी गुड। वी नो दैट हमको क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वन। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये कॉस स्क्वायर ए वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो दैट इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बच जाएगा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। यानी कि इसको हमने क्या किया, इस तरफ शिफ्ट किया, तो मतलब हमको क्या मिला, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने साइन स्क्वायर ए लिखा है। अब कुछ नहीं है, अब बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है पता है, ये स्क्वायर रूट को हटाना है, तो स्क्वायर रूट को सिर्फ स्क्वायर ही हटा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों स्क्वायर है ना, ये जो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है ना, उसको एज अ होल स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर। यानी कि ये दोनों का जो स्क्वायर था ना, उसको हमने एज अ होल स्क्वायर मतलब सिर्फ एक स्क्वायर कर दिया उसका, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हो गया हमारा कैंसल। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है वो वन को भी मिलेगा, दैट इज वन अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो कॉस ए को भी मिलेगा, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, वन अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, और यही देखो यही हमारा क्या है, आर एच एस है। आप देख लेना आर एच एस में क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यही हमने दिखा दिया। बस आपको ये पैटर्न याद रखना है कि अगर ऐसा टाइप का कुछ आया स्क्वायर रूट के अंदर, क्या है, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए है, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कॉस ही हो हमेशा, कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप क्या करोगे, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो नीचे हमारा जो होता है ना, नीचे जो हमारा होता है ना, नीचे को देखो, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर जो है ना, उसकी आपको क्या करनी है, बीच वाली जो साइन है ना वो चेंज करनी है। मतलब कि अगर प्लस है तो माइनस में करना, अगर इधर माइनस होगा तो हम प्लस करते, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अगर तुमको सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना, आपने कॉन्जुगेट सुना होगा, कॉन्जुगेट नहीं सुना होगा तो टेंशन, मतलब कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमको बस इसका ये जो बीच वाला जो हमारा है ना, इसकी साइन चेंज करनी है, बीच में जो साइन है वो चेंज करो। तो बीच में साइन प्लस है तो इसको चेंज करेंगे तो माइनस मिलेगा, बाकी सब जैसा है वैसा ही लिखना है, दैट इज वन, और यहाँ पे कॉस ए है तो वन और कॉस ए। तो हम इससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो किया,
उसके बाद यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होगा, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर। और नीचे क्या यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, हमेशा याद रखना नीचे ये वाला फॉर्मूला यूज हो, ठीक है। तो हमको ये मिला। उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रिगो की आइडेंटिटी यूज की है, यहाँ पे ये वाली जो ट्रिगो की आइडेंटिटी है वो यूज ही है। फिर ये जो दोनों स्क्वायर थे उसको होल स्क्वायर में लिखा ताकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। फिर ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया और हमको हमारा आंसर मिल गया। तो ये हो गए हमारे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3A एंड क्वेश्चन नंबर 3B, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, ऐसा मत करना कि आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है इसका जो वेटेज है वो कितना है पता है आपको? आप सुन के घबरा जाओगे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स का, यानी कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑप्शन। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को परफेक्टली करके जाओ तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब बाकी आप कुछ ऑप्शन में रख सकते हो और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका मैंने वन शॉट वीडियो इसलिए सबसे पहले बना के रख दिया ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सको। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे तो मैं रेगुलर आपको अपडेट दिलाती रहती हूँ कि भाई ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, काम का है, सब कुछ बताती हूँ आपको। और अगर आपको वेटेज नहीं पता है एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के चैप्टर के, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। आपको बस क्या करना है, एक बार प्लेलिस्ट तो देख लो, मजा आ जाएगा आपको खुद को भी। पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर पैटर्न, पेपर एल्जेब्रा ज्योमेट्री के जो वेटेज है सब कुछ बताया है मैंने, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हॉट्स करने वाले हैं। सही सुना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हॉट्स करने वाले हैं। अगर हुआ तो उसी में क्वेश्चन नंबर 5 भी करा लूंगी ताकि हमारा ज्योमेट्री का पेपर सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग एल्जेब्रा का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।